मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पोहे के कटलेट्स, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इन्हें आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पोहा, 2 मीडियम साइज़ के उबले मैश किए हुए आलू, 1 छोटी कटोरी भुने हुए मूँगफली के दाने, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा, जिसे कि हम चिवड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप पतला या मोटा किसी भी प्रकार का पोहा ले सकते हैं। तो अब हम इस पोहे को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद इसका सारा पानी हम निकाल कर अलग कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पोहे को धोने के बाद हमने इसमें से सारा पानी निकाल दिया है, पर अभी इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये भीगा हुआ पोहा अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। पोहे को रखे हुए कुछ देर हो चुकी है, तो अब आप इस तरह पोहे को हाथ से दबाकर देख सकते हैं कि पोहा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब ये फूले हुए पोहे को हम मिक्सर जार में डालेंगे, क्योंकि हमें पोहे का डो बनाना है। तो इसे हम मिक्सर जार में डालकर कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह ये बाइंड हो जाए और डो की तरह बन जाए। पर यदि आप मिक्सर जार में ना पीसना चाहें तो हाथों से अच्छे से मसलते हुए भी इसका डो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिक्सर में हमने कुछ सेकंड के लिए इसे चलाया था और ये बिल्कुल अच्छे से डो की तरह बन गया है। तो हम इसे एक अलग से बर्तन में निकाल देंगे और यहाँ पर हमने लिया 1 छोटी कटोरी भुने हुए मूंगफली के दाने, जिसका कि भुनने के बाद हमने छिलका उतार दिया था। तो इसे भी हम मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा पीसेंगे और मूंगफली के दानों को इस तरह पीसने के बाद इसे भी हम पोहे के डो में डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 उबले मैश किए हुए आलू, 1 बारीक कटा हुआ 1 प्याज, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर। यहाँ पर आप इसकी जगह पर चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम सारी ही चीज़ों को हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे, ताकि सारे मसाले और बाकी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कटलेट का मिश्रण बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो अब हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि ये बनाते वक्त चिपके नहीं। और 1 छोटी चम्मच के करीब हम इसमें से मिश्रण लेंगे और हाथों से रोल करते हुए इस तरह हम इसका गोल कटलेट्स बनाएंगे। पर आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे और इस तरह कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने इस शेप के 2 बना लिए हैं, बाकी सारे डो के भी हम इसी तरह कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, सारे ही हमने कटलेट्स बना लिए हैं और उतने डो में ये बहुत सारे बनकर तैयार हुए हैं। और तेल भी हमने गर्म होने रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सावधानी के साथ इन्हें हम तेल में डालेंगे और लो फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे, ताकि अंदर से ये पके और ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो सके।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं और कलर भी इनका बहुत ही अच्छा आ गया है। तो बस इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे और जो बाकी बचे कटलेट्स हैं उन्हें भी ठीक इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक कटलेट्स को तोड़कर दिखाते हैं कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट है और ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो बस सारे कटलेट्स हम इसी तरह बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी पोहे के कटलेट्स बनकर तैयार हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें आप अपने मनपसंद की चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। इन्हें आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या घर में कभी कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो भी आप इसे स्नैक्स के तौर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इन्हें बनाना बहुत ही ईजी है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।